मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको राजपूती रेडीमेड लहंगे में चीन लगाना बताने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि राजपूती लहंगे जो है वो सिले सिले आते हैं, उनमें हमें कमर के अकॉर्डिंग उसमें चीन लगानी होती है, तो वही चीन मैं आपको आज लगाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ अपने वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। ये देखिए, ये इसके साथ में अटैच चीन आई है, नेफा जिसे कहते हैं हम, तो इसे आप अलग कर लें पहले। अब हमें अपनी लहंगे की लंबाई देखनी है कि हमें वो लहंगा बनाना कितना है। जैसे मुझे ये लहंगा 40.5 इंच लंबाई में बनाना है, तो उसमें से मैं सिर्फ 0.5 इंच कम करूँगी, क्योंकि चीन का कपड़ा भी कम है, सिर्फ 1 इंच वापस चीन आएगी, तो 0.5 इंच जैसे सिलाई मार्जिन चला जाएगा 40 में से, तो 39.5 हो जाएगा, और उसके बाद 1 इंच वापस चीन आ जाएगी। ये 3 सवा 3 के बीच में है, तो जैसे हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 0.5 इंच सिलाई चला जाएगा, तो 1 इंच हमारा नेफा होगा, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होगा, 1 या 1.25 इंच होगा। तो जैसे हमने लंबाई नापी 40.5 हमें बना बनाया चाहिए, आपकी जो भी लंबाई है उसमें से सिर्फ 0.5 इंच कम कर लें। अगर आपकी चेन भी 3 साढ़े 3 इंच की है तो आप उसमें से सिर्फ 0.5 इंच कम कर लें और बाकी वाला कपड़ा हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम उसे डबल फोल्ड करेंगे, नीचे इसमें मगजी गुणा वगैरह सब कुछ लगा हुआ होता है, सिर्फ हमें चीन लगानी है अपने कमर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हमें लंबाई काट लेनी है उसकी, जो भी आपकी लंबाई है मैं बता रही हूँ आपको, उसमें से आप 0.5 इंच लेस कर दें। तो 40.5 इंच चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं 40 इंच ले लूंगी। अगर आपकी लंबाई कम है तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा निकलेगी, और जब ये ज़्यादा निकलेगी तो हमारी कमर जो है ऑटोमेटिक ही चौड़ी हो जाएगी। अब मेरे को कमर जो है वो लेनी है 36 इंच, तो उसका जो 1/4 होता है 36 इंच का, हाफ होता है 18, और 1/4 होता है उसका 9, तो ये देख लेंगे हम। ये 9 है हमारे पास, और जो भी थोड़ा बहुत है कपड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए हर कली में एक चुन्नट लगा देंगे, छोटी सी सलवट लगा देंगे। और अगर आपकी कमर कम है तो आप पहले तो हर कली में थोड़ी सी सिलाई लगा लें, और उसके बाद बचे हुए कपड़े की एक एक डाट डाल लें। जैसे यहाँ पर कमर थोड़ी सी ज़्यादा है, 36 है, तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ये, तो हम सिर्फ छोटी सी सलवट डाल देंगे इसमें। ये देखिए, हमने नापा उसको, तो ये हमारी 18 है कमर डबल फोल्ड में, और ये कपड़ा भी लगभग सही है, सिर्फ एक एक चुन्नट आ जाएगी बीच में, सलवट आ जाएगी। ये हर कली में एक सलवट डालनी है छोटी सी, और उसके बाद अगर आपकी चीन कम है तो ये देखिए, जैसे हर कली में आप थोड़ा सा तिरछा करते हुए अपनी कमर कम कर लें, और उसके बाद सलवट डालें, क्योंकि खूब ज़्यादा बड़ी बड़ी सलवट डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा अंदर के साइड में डालने पहले। और उसके बाद ये जो चीज़ है ये रेडीमेड में किस तरह की आती है आप सबको पता ही है, तो आप वहाँ पर भी सिलाई कर लें एक बार। अब ये जो है हमारी चीन का कपड़ा है जो कि उसके साथ में आया है, उसे नाप कर देख लें वो कितना है। ये 18 इंच हमें चाहिए, और उसके बाद उलट के लिए आप जितना रखते हैं वो रख लें। अब इस चीन को आप एक बार और फोल्ड करके, जो निशान हमने लगाया था इतना तो हमारा उलट आ जाएगा, यहाँ तक हम इसे फोल्ड कर लेंगे और कट के निशान लगा देंगे, कट लगा देंगे। और उसके बाद
ये दोनों साइड से हमने उलट लिया है। अभी हमारे निशान लगे हुए हैं, उस अकॉर्डिंग हर एक निशान पर दो कलियां आ जाएगी। ये जैसे ये बॉर्डर है, ये हम पीछे रखना चाहते हैं तो इस बॉर्डर से शुरू करना है। चेन के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर लहंगा भी सीधा रखना है। स्टार्टिंग देखें, जहाँ से हमें खुला छोड़ना है उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, बारीक सा, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। ये देखिए निशान है, फर्स्ट निशान, और ये है हमारी कलियों में जितना बढ़ा हुआ हिस्सा है। ये हर कली में एक सलवट। लास्ट में भी हमें इसी तरह से करना है जैसा हमने स्टार्ट किया था, ये इस तरह से। उसके बाद जो भी बचा है उसकी एक सलवट आ जाएगी। अब देखिए फोल्ड करना है हमें। कई बार होता है, कमेंट भी आते हैं कई, कि उनके जो नेफा है या चेन जो लगाते हैं उसमें बेलन बन जाता है, एकदम सीधी नहीं आती है वो। तो आप जब भी चेन लगाएं तो एक बात का ही आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला हिस्सा जो हम फोल्ड कर रहे हैं वो तो लूज ही रहे, बिल्कुल ढीले हाथों से लगाएं। लेकिन नीचे वाली जो चीज़ है, जैसे ये चीज़ है, इसको आप खींच लें, जैसे ये इस तरह से खींचा हुआ है मैंने एक हाथ से, और ऊपर जो कपड़ा मैं रख रही हूँ फोल्ड करके वो बिल्कुल लूज़ है। तो इस तरह से आप चेन लगाएंगे तो कभी भी बेलन नहीं होगी उसकी। ये देखिए बिल्कुल भी बेलन नहीं आया है। अब साइड से हमने दोनों तरफ फोल्ड कर रखा था, ये इस तरह से उसे 4 इंच में कर लें, या जितना आप खुला छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। इसे दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के वीडियो आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।